पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा दहशत फैल चुकी है और उसकी वजह है टीटीपी यानी तहरीके तालिबान पाकिस्तान। पाकिस्तान में टीटीपी के 21 आतंकवादियों को पकड़ा गया। ये वो आतंकवादी हैं जो पाकिस्तान में कई हमलों में शामिल रहे हैं, कई बड़ी वारदातों को अंजाम दिया है। दरअसल पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को डर है कि अब टीटीपी और भी बड़े हमलों को अंजाम देने जा रहा है और पाकिस्तान के कई शहर इस वक्त टीटीपी के निशाने पर मौजूद भी हैं। तहरीके तालिबान पाकिस्तान को लेकर इस्लामाबाद में बैठी सरकार और रावलपिंडी में सेना के मुख्यालय बहुत ही ज्यादा बेहद ज्यादा दबाव में है, तनाव में है। टीटीपी ने अब दावा किया कि उसने एक साल के अंदर पाकिस्तान के करीब 1000 सैनिकों को मार डाला है, यानी 1000 सैनिक यहां ढेर कर दिए गए। और इस खबर को लेकर पूरी पाकिस्तानी फौज में एक बेहद बहुत ही बड़ा हड़कंप भी मचा हुआ है। अफगानिस्तान का फ्रंट, वजीरिस्तान का फ्रंट, जहां दोनों तरह के तालिबान एक्टिव हैं, पाकिस्तान का खून लगातार बहता जा रहा है। बलूचिस्तान का फ्रंट, जहां पाकिस्तान की सेना बार बार मारी जा रही है, फौज को जान बचाकर भागना पड़ता है। चौथा फ्रंट, पाकिस्तान के पंजाब का वो इलाका जहां लश्कर बेचैन है क्योंकि उसका कैडर मारा जा रहा है। और पांचवा फ्रंट कराची, जहां दाऊद इब्राहिम को छुपाना अब मुमकिन नहीं रहा। तमाम अफवाहों के बीच वो भी जानता है कि उसकी मौत कभी भी आ सकती है। पाकिस्तान के पांच दुश्मन तैयार हो चुके हैं। पहला दुश्मन तहरीके तालिबान, दूसरा दुश्मन लश्कर चीफ हाफिज सईद, तीसरा दुश्मन अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम, चौथा दुश्मन बलूचिस्तान का विद्रोह, पांचवा दुश्मन अफगानिस्तान का तालिबान। इन सब में पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन साबित हो रहा है तहरीके तालिबान। ऐसा इसलिए क्योंकि इस आतंकी संगठन ने जो दावा किया है, उसने इस्लामाबाद से लेकर कराची और क्वेटा से लेकर पीओके तक तैनात पाकिस्तानी फौज की जड़ें हिला दी हैं। तहरीके तालिबान का दावा बहुत गौर से समझिएगा। आतंकवादी संगठन टीटीपी यानी तहरीके तालिबान, पाकिस्तान ने कुछ आंकड़े जारी किए हैं। उसके मुताबिक उसने साल 2023 के दौरान पाकिस्तानी सुरक्षा बलों पर कुल 881 हमले किए, यानी पाकिस्तान की सेना और पुलिस पर हर महीने लगभग 73 हमले हुए, यानी पाकिस्तान के सुरक्षा बलों पर रोज 2 से ज्यादा हमले हुए। और इन हमलों में उसने पाकिस्तान के 977 सुरक्षा कर्मियों को मार गिराया, जबकि 1200 को जख्मी कर दिया। आतंकवादी संगठन तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने जैसे ही अपनी रिपोर्ट जारी की, रावलपिंडी हेडक्वार्टर में हड़कंप मच गया और आनन फानन में एक वीडियो जारी कर बताया गया कि उनकी सेना आतंकवादियों पर भारी पड़ी है। पाकिस्तान की सेना ने जो वीडियो जारी किए, उसमें दावा किया गया कि पाकिस्तान की फौज ने 2023 में तहरीके तालिबान समेत कई और संगठनों के 566 आतंकवादियों को मार गिराया है, जबकि 5000 से ज्यादा आतंकवादियों को गिरफ्तार किया। लेकिन इस दावे में कितना सच है? पाकिस्तान ने अपने ऑपरेशन के बारे में और क्या बताया, उसे समझने से पहले देखिए कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने रावलपिंडी हेडक्वार्टर में बैठे जनरलों को क्या सदमा दिया है। अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने वाली पाकिस्तान सेना ने 2023 में 977 सैनिकों और सुरक्षा बलों को तहरीके तालिबान के हमलों में खोया है। अगर टीटीपी का ये दावा सच है तो 2023 में हर रोज पाकिस्तान के 3 सैनिक उसके हमलों में मारे गए हैं।
दरअसल पाकिस्तान अब डैमेज कंट्रोल में जुटा है। अब वो ये दिखाना चाहता है कि उसकी फौज तो आतंकवादी संगठनों पर भारी पड़ी है, लेकिन अब तक उसने करीब अपने 1000 सैनिकों के मारे जाने पर चुप्पी साधी हुई है। 1 दिसंबर में ही जो बड़ा हमला तहरीके तालिबान ने किया उसका वीडियो भी जारी किया। तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने उस आत्मघाती हमलावर की वीडियो क्लिप वायरल की जो पुलिस चौकी में विस्फोटकों से भरी गाड़ी लेकर दाखिल हुआ था। दावा है कि ये वही हमलावर था जिसने खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के डेरा इस्माइल खान में भी पुलिस चौकी में भयंकर तबाही मचाई थी। उस हमले में पाकिस्तानी पुलिस और सेना के 23 जवानों की मौत हो गई थी। इस हमले की खास बात ये भी रही कि ये अटैक ऐसे वक्त में हुआ जब पाकिस्तानी सेना के प्रमुख जनरल आसिम मुनीर अमेरिका के दौरे पर गए थे। हालांकि बाद में पाकिस्तान ने 2 हमलावरों को ढेर करने का भी दावा किया। तहरीक तालिबान पाकिस्तान इस आतंकी गुट को लेकर अब अफगानिस्तान में तालिबान और पाकिस्तान के बीच टेंशन काफी ज्यादा बढ़ गई है और दोनों ही देश इस टेंशन को कम करना चाहते हैं। कयास लगाया जा रहा है कि अफगानिस्तान से तालिबान का एक बड़ा लीडर जल्द ही पाकिस्तान पहुंचने वाला है और इसी महीने दोनों पक्षों के बीच एक महत्वपूर्ण बैठक हो सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक ये दौरे टीटीपी को लेकर काबुल और इस्लामाबाद के बीच तनाव को कम करने की कोशिश है। गौरतलब है कि 2 साल से अधिक समय पहले अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के मद्देनजर पाकिस्तान में सुरक्षा बलों के खिलाफ हमले तेज कर दिए गए थे। वैसे तहरीके तालिबान के दावे तो और भी ज्यादा हैं। उसने बताया कि जो भी टारगेट चुना गया उसके पीछे एक बड़ा और खास मकसद रहा। ऐसे हमलों में ना सिर्फ पुलिस और सेना की पोस्ट उड़ाई गई बल्कि सीसीटीवी कैमरों को भी निशाना बनाया गया। साथ में सुरक्षा बलों के हथियार भी लूटे गए ताकि तहरीके तालिबान को मजबूत किया जा सके। इन्हीं सब बातों को लेकर अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान में बैठे तालिबान के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान में दावा किया जा रहा है कि अफगानिस्तान बॉर्डर और उसके आसपास के जितने भी इलाकों में आतंकवादी हमले हुए उन सभी में आतंकवादियों को मदद अफगानिस्तान से मिली, हथियार अफगानिस्तान से मिले। यहां तक कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान को भी अफगानिस्तान से ही मदद मिल रही है। यानी कुल मिलाकर पाकिस्तान अफगानिस्तान पर अपने इल्जाम थोपना चाहता है। पाकिस्तान का दावा है कि उसके यहाँ तहरीके तालिबान के जो भी हमले हुए हैं उसमें ये पता चला है कि सबका लिंक अफगानिस्तान से है। टीटीपी को ना सिर्फ हथियार और गोला बारूद अफगानिस्तान से मिल रहा है बल्कि आतंकियों को ट्रेनिंग भी अफगानिस्तान के अंदर मिल रही है और ये सब कुछ खुल्लम खुल्ला किया जा रहा है ताकि पाकिस्तान की सेना का खून बहाया जा सके। ऐसे दावों में पाकिस्तान की कमजोरी भी छुपी है कि उसका पश्चिमी बॉर्डर एक्टिव हो गया है। यानी पाकिस्तान के सभी मोर्चों में इस वक्त आग लगी हुई है। भारत के साथ एलओसी को लेकर हमेशा तनाव रहता है। अब उसके पश्चिमी बॉर्डर यानी अफगानिस्तान सीमा पर भी पाकिस्तान के लिए सुरक्षित नहीं रही। बलूचिस्तान में पहले ही पाकिस्तान बड़ा विद्रोह झेल रहा है। रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि अफगान तालिबान का एक बड़ा लीडर और कंदार प्रांत के गवर्नर मुल्ला शेरीन अखुन जल्द इस्लामाबाद जा सकता है। इस दौरान खुफिया और विदेश मंत्रालय के अधिकारियों के बीच कई बैठक हो सकती है, लेकिन यहां पर पाकिस्तान के तालिबान के साथ कोई स्थायी डील हो जाए ऐसा लग नहीं रहा, क्योंकि तालिबान भी जानता है कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान को जकड़ने का फायदा नहीं बल्कि बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है और ये मुसीबत वो मोल लेने के लिए तैयार हो जाए ये कहना मुश्किल है। तालिबान को भी बड़ा खतरा है। तालिबान को डर सता रहा है कि अगर तहरीके तालिबान के खिलाफ एक्शन ले लिया गया तो उसका एक बड़ा कैडर ISIS आतंकियों में शामिल हो सकता है और वो फिर उसके खिलाफ खड़ा हो जाएगा। बता दें कि तालिबान का नंबर 1 दुश्मन ISIS है जिसको लेकर उसने पाकिस्तान को भी बताया है, लेकिन पाकिस्तान तालिबान के इस बहाने को मानने से इनकार कर रहा है। कुल मिलाकर पाकिस्तान भी फंसा है, तालिबान भी फंसा है और इन सब की वजह तहरीके तालिबान है जिसके हमलों ने पाकिस्तान की अंदरूनी सुरक्षा की पोल खोल कर रख दी है। जो पाकिस्तान कश्मीर में आतंकवाद फैला रहा है वही पाकिस्तान अब अपने घर में आतंकवाद से बचने की कोशिश में लगा है और इसका पूरा कनेक्शन अफगानिस्तान से है, तालिबान से है और उस इलाके से है जो कभी पाकिस्तान के पूरी तरह कंट्रोल में नहीं रहा। हालात ऐसे हैं कि पाकिस्तान को समझ में नहीं आ रहा कि वो भारत में आतंकवाद फैलाए या फिर अफगानिस्तान से आ रहे आतंकवाद से बचे। पाकिस्तान के पश्चिमी बॉर्डर पर जो तनाव है उसकी वजह से पाकिस्तान भारत पर लगी LOC पर भी प्रेशर में है और यही वजह है कि अब वो जम्मू के इलाकों में भी आतंकी घटनाओं को बढ़ाने पर जोर दे रहा है। एक बात साफ है कि पाकिस्तान आतंकवाद का सेंटर बना हुआ है। सब कुछ पाकिस्तान या फिर अफगानिस्तान से हैंडल किया जा रहा है। इस वक्त कश्मीर में भी जिन आतंकियों को घुसपैठ वाले मिशन के लिए तैयार किया जा रहा है
उसे लेकर भी पाकिस्तान एक्सपोज हो चुका है। पाकिस्तान मानने को तैयार नहीं है। ये तस्वीरें पुंछ और राजौरी बेल्ट के दूसरे तरफ की हैं। भारतीय सेना पुंछ और राजौरी बेल्ट के दूसरी तरफ पाकिस्तान के कब्जे वाले हिस्से में इन लॉन्च पैड पर नजर रख रही है। इन लॉन्च पैड पर आतंकवादी गतिविधियां अचानक तेज हो गई हैं। सेना ने हाल ही में LOC पर पाकिस्तानी हिस्से में नटाला पोस्ट के एक लॉन्च पैड से घुसपैठ की एक बड़ी कोशिश को नाकाम किया था। तभी से पाकिस्तान के कई लॉन्च पैड भारतीय सेना के रेडार पर हैं। पुंछ में LOC के पार POK में आतंकवादियों ने जो लॉन्च पैड तैयार किए हैं उनमें नल्ली का इलाका है। भिम्बर का ठिकाना बहुत खतरनाक है। POK में एक लॉन्चिंग पैड बकबक में है। पगसर में भी आतंकियों की घुसपैठ कराई जाती है। POK के पोखरनी में भी अड्डे हैं। माग्याल से भी आतंकवादी लॉन्च किए जाते हैं। इस साल सर्दियों से पहले घुसपैठ की बड़ी कोशिश लगातार होती है, इसमें कोई शक नहीं, ताकि बर्फ पिघलने से पहले इतने आतंकी और हथियार घाटी में पहुंचा दिए जाएं जो कई महीनों तक आतंकवाद को एक्टिव रखने का काम पूरा कर सके। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान के सामने दूसरा मोर्चा भी है और वो पाकिस्तान का बहुत ज्यादा खून बहा रहा है।